पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली भारी जीत के खुशी में आज लुधियाना के आतमनगर हलके में कांग्रेस वर्कों ने पटाखे चलाकर खुशी मनाई। इस दौरान कृष्ण कुमार बावा ने वर्कों के साथ पटाखे चलाकर कहा कि राहुल गांधी के प्रधान बनने को आज पूरा एक साल हो गया है और आज घोषित हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करके मतदाताओं ने उन्हें तोहफा दिया है, वही जिसके लिए वह सबके आभारी हैं। वही उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भारी जीत होगी और कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी के वर्कर फिरका प्रस्त ताकतों की हार होने पर तीन स्टेटा के मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ के हार होने खुशियां मना रहे हैं, पटाखे चलाए जा रहे हैं, लड्डू वंडे जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने धर्म के नाते देश दियां वंडियां पाईयां, जात पात के नाते भाषा के नाते पहरावे के नाते अज मैं समझा, क्योंकि भारत की पहचान अनेकता विच एकता है, अनेक धर्म जातियां पहराव्या भाषावां का समूह आ भारत, जिसनों एक मुठ कांग्रेस पार्टी ही रख सकती है। कांग्रेस पार्टी एक सैकूलर सोच वाली पार्टी है, तो अज मैं समझा इन्हां फिरकाप्रस्त ताकतों नूं वड्डी मूंह दी खाणी पई है, भाजपा की पुठी गिणती शुरू हुई है। अज नरेंद्र मोदी का हंकार खत्म होया है, क्योंकि वो एक हंकारी एक ऐसा चोर नेता देश के अंदर बन गया सी कि जिहड़ा हर वर्ग के लोगों नूं गुमराह करता है, जिन्हें 2 करोड़ नौजवानों के नाल वादा किया, जिन्होंने GST ते नोटबंदी के राही पूरे देश के लोगों दियां जेबां ते डाका मारिया। तो अज मैं समझदा 3 स्टेटा के लोगों ने दस दिता है कि असी नरेंद्र मोदी नूं, असी भाजपा नूं, असी फिरका प्रस्ती नूं, असी देश नूं वंडण वालियां नूं पसंद नहीं करते। अज राहुल गांधी का एक साल पूरा हो गया प्रधान बनिया का, तो उन्होंने 3 स्टेटा के उत्ते जो जित प्राप्त की है उन्होंने वधाई देंदे हुए असी अज खुशी मना रहे हैं लड्डू वंड के। जागृति लहर के लिए लुधियाना से सुरेंद्र अरोड़ा, सोनी की रिपोर्ट।